हर जो जुलम मुसलमान पे हो रहा उसको हम मुसलमान की इश्यू बनाए या उसको एक ह्यूमन राइट्स यानी ह्यूमन राइट्स की इश्यू बनाए या नाइंसाफी की इश्यू बनाए, ह्यूमन राइट्स और नाइंसाफी की इश्यू की तरह उसको लड़े या मुसलमान पे जुलम हुआ इस एंगल से लड़े, ये सोच के एक अंदाज। ओके, क्यों? क्योंकि यू कैन इंटरेक्ट ऑन दिस, क्योंकि हम जो भी देख रहे हैं नेशनल सीन पे जो हम देख रहे हैं वो चाहे मनीषा सेठी हो या आशीष खेतन हो या फिर प्रोफेसर राम कुन्यानी हो या तीसरा हो या कई अलग मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ लोग जो मुसलमान के केसेस के लिए लड़ रहे हैं, जो फॉर एग्जाम्पल खालिद मुजाहिद की केस, मुजफ्फरनगर की रियाज की केस या फिर मक्का ब्लास्ट हैदराबाद की केस या मालेगांव की ब्लास्ट की केस, इस सभी केसेस में जो भी लोग लड़ रहे हैं हम गौर करेंगे कि कोई मुसलमान नहीं है और गैर मुसलमानों ने इस इश्यू को बाहर उखाड़ के निकाले हैं। एग्री और इस सूरत हाल में हम एक गौर करें कि अगर मनीषा सेठी ने यानी जामिया टीचर सॉलिडरिटी एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं या राम पुन्यानी ने या विवेक यादव ने या तीसरा ने जो भी इशू उसको निकाले हैं, उन लोगों ने ये इशू इसलिए टेकअप नहीं किए कि ये मुसलमान पे कुछ हुआ। गौर करिए इस बात को, उन लोगों ने इस इशूज को इसलिए टेकअप किए क्योंकि ये इंसानियत के खिलाफ कुछ हुआ और इंसाफ के खिलाफ कुछ हुआ। उन लोगों ने इसको मुस्लिम करके इसको टेकअप नहीं किए, इंसानियत के खिलाफ कुछ हुआ, इंसाफ के खिलाफ कुछ हुआ, ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कुछ हुआ, सेक्युलरिज्म के खिलाफ कुछ हुआ, डेमोक्रेसी के खिलाफ कुछ हुआ, इसलिए उन लोगों ने इश्यूज को टेकअप किए। सो लेट अस नो दैट इट इज अ मुस्लिम इशू, लेट अस रेज एंड लेट अस टेक अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, नेशनल सपोर्ट, ग्लोबल सपोर्ट, टेकिंग जस्टिस के तहत, सेक्युलरिज्म के तहत, अंदर इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट, लेट अस टेक अप दिस इश्यूज, ऐसा मेरा एक राय है टू सपोर्ट।